अब एंट्री हो रही है दोनों टीम के खिलाड़ियों के, एक तरफ पारिस गंज तो दूसरी तरफ मुन्ना इलेवन। और बीच में देखिए जो संयोजक हैं, जो आयोजक हैं इस यूनिश ट्रॉफी के, मोहम्मद यूनुस साहब, वो बुलंद इरादे से फील्ड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत आयोजन है इनका और इनकी गूंज दोहा कतर और यूएई के साथ कनाडा और अमेरिका तक के दर्शक मुझसे पूछ रहे हैं कि ये टूर्नामेंट कहाँ खेला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। की घड़ी और श्याम सुंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस साहब जो संयोजक हैं, और ये अमोद भाई की तरफ से आज चांदी का सिक्का दिया जा रहा है। टॉस की घड़ी, आज का मुकाबला फॉरबिसगंज बनाम गुना इलेवन के बीच दो अंपायर मोहम्मद नसीर और भूषण। टॉस हेड बोला गया है, हेड आया है और फारबिसगंज टीम के कप्तान ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। कितना आप इस शानदार पिच पर क्या इमेजिंग कर रहे हैं, टॉस जीतने के बाद आप बल्लेबाजी करेंगे, क्या स्कोर सामने वाली टीम को आप रखना चाहेंगे? एक बड़ा ग्राउंड है तो 180 प्लस यहां पे सेफ स्कोर माना जा सकता है, तो कोशिश रहेगी कि 180 प्लस किया जाए। वक्त कम है, ज़्यादा बातें हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कल यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस दिखाया, खुद अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी विकेट कीपिंग की आपने, और आज के मुकाबले से क्या उम्मीदें करते हैं, कोई टीम में बदलाव आपने किया है? टीम से मैं एक बैट्समैन इन हुआ है राहुल, हम लोग के जगह पे प्लेयर की जगह पर राहुल हुआ है बैट्समैन। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो यहाँ पे टॉस का जो वक्त था उस टॉस को जीता है फारबिसगंज टीम के कप्तान ने, और हम थोड़ी सी बातें कर लें। यही हैं मोहम्मद यूनुस जो कि इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, और मेरा तो दिल बाग बाग हो जाता है जब इनके यहाँ मैं आता हूँ। यूनुस साहब, आपका आयोजन बड़ा ही लाजवाब आयोजन है, इसे आप और भी बढ़ाने की चाहत आपके मन में है और ड्यूज बॉल में परिवर्तित करना चाहते हैं, क्या क्या बोलना चाहते हैं आप? कोशिश तो करना चाहते हैं मगर हमारे पास उस तरह का ग्राउंड नहीं है। जी बिल्कुल, ग्राउंड नहीं है, आसपास में कोई पिच नहीं है, उस तरह का ग्राउंड नहीं है कि हम उसको अंजाम दे सके। अकेले दमखम पर इतना विशाल आयोजन आप कैसे कर लेते हैं? दिल से करते हैं, अपने आप हो जाता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां दिल से करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का मुकाबला बड़ा ही अहम मुकाबला है। आज गढ़िया के अंदर यूनुस ट्रॉफी में मुकाबला है, प्रथम सेमीफाइनल का, जिसमें फारबिसगंज और गुना इलेवन की टीमें आपस में टक्कर लेती हुई नजर आएंगी। टॉस पुष्ट का है और टॉस के बॉस बने यहां पर फारबिसगंज टीम के कप्तान, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, और उन्होंने कहा है कि सामने वाली टीम के जो है वो लक्ष्य रखेंगे 180 रन का। तो चलिए, वक्त हो गया है जाने का, मैं चलता हूँ, हमारे साथ मोहम्मद यूनुस साहब हैं, इनकी टोली है, मैं चलता हूँ कमेंट्री बॉक्स आपको आपको इतिहास सुनाने के लिए। आइए दोस्तों, मैं पीएन शेखर स्वागत करता हूँ आज के सेमीफाइनल मुकाबले में फारबिसगंज बनाम गुना इलेवन। अमरजीत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामने अप्पू सरकार मौजूद, बाएं हाथ के बल्लेबाज, विकेट कीपर ऊपर। बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती गई स्लिप में शतरक्षक मौजूद। शुरुआत का वक्त है ये, तो ऐसे में बल्लेबाज थोड़ा थम कर खेलेंगे, धीरज दिखाएंगे। अमरजीत की गेंद को जैसे ही बल्लेबाज ने देखा कि मैं गेंद की लंबाई तक नहीं पहुंच पाऊंगा, अपने बल्ले को थोड़ा आगे किया और स्वीप कर दिया एक रन के लिए। सिंगल के जरिए खाता खुलता हुआ फारबिसगंज एक रन। अमरजीत कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से पहली दफा अतुल को गेंद फेंकेंगे। अच्छी गेंद थी, हाई आर्म एक्शन, पिच की गहराई का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, पीछे गए अपने सामने धकेला, कवर्स एरिया में गेंद गई, कोई रन नहीं।
आज जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। आप देख रहे हैं यूनुस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला, फारबिसगंज बनाम गुना 11। उछाला है और गेंद में थोड़ी सी रफ्तार उछलती कूदती फांती चली गई चार रन के लिए बाउंड्री लाइन के पास। चौके की मदद से फारबिसगंज 5 रन, अतुल 4 पर। अमरजीत की अच्छी गेंद, हल्के हाथों से टॉस कराया था गेंद को, हेलीकॉप्टर शॉट दिखाया अतुल ने, लेकिन गेंद कनेक्ट नहीं कर पाए। 5 रन पहला ओवर बगैर किसी नुकसान के फारबिसगंज। हवा में गेंद थी, हवा में लहराई थी थोड़ी देर, 9 बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर नसीर का और एक और इशारा आएगा फ्री हिट का। जी बिल्कुल, अतुल ने क्वार्टर फाइनल में कुल 21 रन बनाए थे और इस फ्री हिट का जबरदस्त फायदा उठाया, चौका जड़ा, 10 रन दहाई के अंकों पर पहुंच गई फारबिसगंज की टीम और इसी के साथ ओवर संपन्न होता हुआ, एक ओवर बगैर किसी नुकसान के 10 फारबिसगंज। तो गेंदबाजी में अमरजीत का साथ देंगे सोनू हटिया एंड की तरफ से, 2 एंड से खेल होते हैं यहाँ, एक जो कमेंट्री बॉक्स एंड है वो है नेपाल एंड और दूसरा है हटिया एंड। दर्शक थोड़े से कम क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी ऐसी आशा है। जहां तक मौसम की बातें करें तो मौसम बड़ा ही आज साफ सुथरा, हल्की हल्की धूप और जो ठंड थी रात वाली वो ठंड बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ऐसा माना भी जाता है कि ठंड का जो पारा है वो उतरना शुरू हो जाता है 14 तारीख यानी मकर संक्रांति के बाद। फाइन लेग जो घेरे के अंदर था उसे बाउंड्री लाइन पर पहुंचा दिया गया है, माफ करेंगे ये बाएं हाथ के गेंदबाज है, वो लॉन्ग ऑन बाहर किया गया। अच्छी गेंद, सोनू आए हैं हटिया एंड की तरफ से, लाइन लेंथ बढ़िया सोनू की, पिछले मैच में भी कल वाले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी सोनू ने और आज भी पहली गेंद से इन्होंने दम दिखाया है। पांच गेंदों में 160 की स्ट्राइक रेट से 8 रन पर खेल रहे हैं, कनेक्ट नहीं हुई गेंद और अक्सर टेनिस बॉल क्रिकेट में क्रॉस बैटेड शॉट ज्यादा खेले जाते हैं और इसका स्टांस भी एक अलग टाइप का होता है, जिसे आप गार्ड कहते हैं वो अलग तरह का होता है। अच्छी गेंद, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं सोनू, ओवर द विकेट, लंबी गेंद, कंधा घूमता है इनका। तो आज राहुल स्पार्टन जो पिछले मुकाबले में जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, दमदार बल्लेबाजी की थी, आज टीम में शामिल हैं। हल्के हाथों से गेंद डाली थी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, ललचाया था बल्लेबाज को, लेकिन फिर से एक डॉट बॉल डालने में सफल हुए सोनू। 6 गेंदें अब तक खेली हैं अपने हिस्से की अप्पू ने और 16 की स्ट्राइक रेट से 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कनेक्ट हुआ ये बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आई, शानदार छक्का लगता हुआ, अच्छा शॉट, बहुत बेहतरीन शॉट, क्रिस की गहराई का इस्तेमाल किया, खड़े खड़े हेलीकॉप्टर शॉट और शानदार लॉन्ग ऑफ की दिशा में उछाल दिया छक्का। दो ओवर 22 रन फारबिसगंज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है और दो जो स्कोरिंग शॉट आए बाउंड्रीज आए उससे स्कोर में अचानक वृद्धि हुई है,
लंबी गेंद, गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबाया, बायां पांव आगे, सर नीचे, सुरक्षित शॉट, कॉपी बुक स्टाइल जिसे आप कहते हैं। हालांकि कॉपी बुक स्टाइल ज्यादा मायने नहीं रखता टेनिस बॉल मुकाबले में। उछाला है, खाली पड़ा हुआ क्षेत्र, और बिल्कुल स्वागत करते हुए बल्लेबाज हम कमेंट्री बॉक्स में बैठे सभी लोगों का। बैक फुट पर गए थे, टू माइंडेड रह गए अतुल, और आखिरी में बल्ले घुमाने का कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है बल्लेबाजों को। और इस बार इस गलत गेंद का सही इलाज किया है और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उछाल दिया चार रनों के लिए। तो चार चौके अब तक बल्ले से निकल चुके हैं अतुल के, रनों की संख्या में उछाल, तीस रन, तीसरा ओवर, अच्छा शॉट, क्षेत्र रक्षक मौजूद, और अगर विकेटों में गेंद रहती तो लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे रहता जाते बल्लेबाज। हल्की गेंद अमरजीत की, ओहो क्या बात है, बल्लेबाज ने पहले ही ताड़ लिया था, शानदार छक्का, तो काफी खर्चीले साबित हुए इस इस ओवर में। अमरजीत ने कुल 15 रन खर्च किए, 2 चौके और 1 छक्का लगा, और ये सारे रन अतुल के बल्ले से निकले। तो अतुल चले गए हैं 19 पर, माफ करेंगे 1 छक्का जो भी निकला वो अप्पू के बल्ले से, तो अप्पू 3 छक्के के साथ 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अतुल 17 पर, 4 चौके शामिल गेंदबाजी में। बिलाल आए हैं, बिलाल पिछले मुकाबले में 2 ओवर में, और यहाँ पर विकेट कीपर को तो ऊपर बुला लिया, लेकिन गेंद आपने डाल दी लेग स्टंप के बाहर, भला विकेट कीपर क्या करेगा। अच्छा शॉट है, लाजवाब शॉट है, गेंद गिरने वाली नहीं, बाहर की तरफ उछाला लॉन्ग ऑफ में, शानदार छक्का, एक और लाजवाब शॉट, गैप ढूंढ नहीं पाए इस बार, और गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले अपने और रनों की संख्या को पहुंचा दिया 49। मुझे तो लगता है अजहर पूरे टूर्नामेंट में सबसे तेज 50 के करीब पहुंच रही है टीम, 49 चौथे ओवर में 49 रन, और किसी विकेट का नुकसान भी नहीं हुआ है, अच्छी शुरुआत, पहले बैटिंग करते हुए हाईएस्ट स्कोर पावर प्ले में पहले बल्लेबाजी करते हुए, और दीजिए यहां पर रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया खुद बल्लेबाज अतुल ने। बिलाल की गेंद हवा में, एक आसान सा कैच जी, ओ माय गॉड, सारे खिलाड़ी परेशान होंगे, ये नचती हुई गेंद कभी कभी सबों को नचा जाती है, और गेंद ने खुद नचाया सबों को, और कहीं बेवफा प्रेमिका की तरह कि जाओ मैं 5ों में से किसी के पास नहीं आने वाली। पूरी तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं, शॉट फाइन लेग की दिशा में गई, अच्छा शॉट, करारा प्रहार किया है, और ये बिजली की रफ्तार से गेंद चली गई सीमा रेखा के पार, 4 रनों के लिए 50 रन पूरे हो गए फारबिसगंज टीम के, 53-53। एंड चेंज किया उन्होंने, और पहली गेंद पर स्वागत किया है, पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका, तो 13 गेंदों में 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अतुल, जिनमें 5 चौके 1 छक्का शामिल, और 23 रन पर अप्पू सरकार बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर फारबिसगंज का बगैर किसी नुकसान के 57 रन, जबकि ओवर नंबर ये कुल 5वां फेंका जा रहा है। सोनू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने अपना इंड चेंज किया है, बिल्कुल आज ये आभास हो रहा है कि स्कोर 200 का
पहले बैटिंग करते हुए आंकड़ा पहले बल्लेबाजी करते हुए छुएगी कोई टीम? अभी तक 150 का नहीं छुआ पहले बैटिंग करते हुए कोई। नौ बॉल का इशारा और फिर से ये बॉल को उछाला है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चार रनों के लिए। नो बॉल और फ्री हिट, कितना फायदा उठाएंगे अपू सरकार। और थोड़ी सी स्लोअर डिलीवरी, अतुल कनेक्ट नहीं कर पाए, नहीं तो एक लंबा शॉट दिखाई पड़ता फिर से। अच्छा शॉट है, मंझे हुए बल्लेबाज लग रहे हैं, छोटा कद लेकिन दिलेर बल्लेबाज। सिंगल के जरिए 33 पर सरकार चले गए हैं, अतुल चले गए हैं और अपू सरकार बल्लेबाजी कर रहे हैं 23 के निजी योग पर। कुल योग 63। पांचवा ओवर गुना 11 की तरफ से बाया हाथ से और यहां पर फिर से उछाला है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई, लगातार स्वीप पे स्वीप लगाए जा रहे हैं। शानदार छक्का, कुल केके ने कल काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। 3 ओवर 13 रन और 2 सफलताएं अर्जित की थी कल केके ने। और देखिए ये गेंद भी रुकने वाली नहीं है, लीजिए एक और चौका निकल गया अपू सरकार के बल्ले से, चौकों और छक्कों की झड़ी निकल रही है भाई। जबकि कुल स्कोर में जोड़ गया और 6 रन 39 पर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन शानदार छक्का लगाते हुए सरकार। तो अभी भी सोनू का जो ओवर संपन्न हुआ उसमें 27 रन 26 रन सोनू ने खर्च कर डाले और देखिए मंत्रणा हो रही है, टीम के सारे खिलाड़ी थोड़े से परेशान दिख रहे हैं कि ये जो स्कोर है वो कुछ ज़्यादा हिसाब किताब से बन रहा है। पिछला ओवर बेहद खर्चीला, सोनू का 26 रन दिए और पहले ओवर में सोनू ने कुल 12 रन दिए थे तो 2 ओवर में उन्होंने कुल 38 रन अब तक खर्च कर दिए हैं। रनों का जहां तक प्रश्न, ओवरऑल 79 रन 5 ओवर में फॉरबिसगंज की टीम बगैर किसी नुकसान के। क्या बात है भाई, लाजवाब शॉट, ओहो और इशारे भी शानदार भूषण के। लेकिन बेहतरीन शॉट, लाजवाब चौका, दूसरा लगातार चौका। 87 छठ ओवर, अच्छा शॉट है और देखिए यहां पर फील्डिंग बहुत ही अच्छी कर ली गई है। जो शर्तिया चौका लग रहा था उस चौके को बचाया, अच्छी फील्डिंग की सराहना की, दर्शकों ने तालियां बजाकर। सरकार सामना करेंगे केके की गेंद का, तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं केके। मात्र 14 रन खर्च किए थे, 4 बाएं हाथ से, अच्छा शॉट, खाली पड़ा हुआ था क्षेत्र और पॉइंट की दिशा में एक और चौका निकलता हुआ। अच्छा शॉट, कोई नहीं पकड़ पाएंगे, 38 सर्किल का फायदा, लगातार चौकों की बरसात। अप्पू 261 की स्ट्राइक रेट से चले गए हैं 47 पर और टीम का टोटल योग 96। 18 गेंदों में ये शानदार बल्लेबाजी हो रही है आज भाई। और यहाँ पर बल्ले के निचले हिस्से को चूमती हुई विकेट कीपर के हाथों में आई, पहले विकेट का झटका लगा है। अप्पू सरकार आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं, 47 शानदार रन बनाए अप्पू सरकार ने और इन 47 रनों में 4 छक्के और 4 चौके लगाकर अभी अभी वापस पवेलियन लौटे अप्पू सरकार। 47 रन बनाए उन्होंने और टीम का पहला विकेट गिरा है 96 के योग पर, जबकि ओवर नंबर कुल ये फेंका जा रहा है। 6 ओवर समाप्त हो गए हैं, 7वें ओवर की शुरुआत होगी। जॉनसन आए हैं, बहुत ही अच्छी गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट, गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी, विकेट कीपर ने सफाई के साथ गेंद गैदर किया। तो 7वां ओवर शुरू हुआ है, रनों का जहां तक प्रश्न तो 96 रन
पहला विकेट का पतन हुआ। शानदार बल्लेबाजी कर वापस पवेलियन लौटे हैं अप्पू सरकार। 47 रन बनाए उन्होंने, कुल 19 गेंदों का सामना किया, 5 छक्के 4 चौके लगाकर। अच्छी गेंद अपने सामने दबाया, क्योंकि जब विकेट गिर जाते हैं तो उसके बाद बल्लेबाज कुछ गेंदों को समझते हैं, परखते हैं, फिर अपनी पारी को आगे ले जाते हैं। जॉनसन बाएं हाथ से लॉफ्टेड शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद और यहां पे विकेट का पतन हो गया। दूसरा विकेट गिरता हुआ तो भाई दोनों ही जो ओपनर बल्लेबाज थे फॉरबिसगंज के वो वापस पवेलियन लौटे, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की। मैं चाहता हूं दर्शकों से एक बार जोरदार तालियां। अच्छी बॉल, आज जॉनसन कल के मुकाबले बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। शानदार रिदमिक एक्शन, देखिए इस गेंद में गति डाली उन्होंने, साइड आर्म एक्शन। दोनों नए बल्लेबाज और इसी के साथ देखिए कहां तो रनों का सैलाब आ गया था और यहां रनों का सूखा पड़ा। इस ओवर में थोड़ी सी चोट लगी है बल्लेबाज के चेहरे पर। मेडन ओवर संपन्न होता हुआ जॉनसन का, कुल ओवर नंबर संपन्न हुए हैं 7। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात फॉरबिसगंज 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये 7वें ओवर की समाप्ति के पश्चात छठा बॉलर लगा लिया गया है। टिंकू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, टिंकू राजेश सिंह के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, वाइड का इशारा टिंकू। अच्छी गेंद, क्या कटर गेंद मार, माय गॉड, ह्यूज ह्यूज एंड माम ऑफ सिक्स बाय राजेश सिंह एंड स्कोर क्रॉस 100। 104 रन, एक शानदार चौका निकलता हुआ। अच्छी खबर ले रहे राजेश सिंह, टिंकू की गेंदों को बाहर भेज रहे लगातार। 107 आठवां ओवर, अच्छी बल्लेबाजी, पिछली 2 गेंदों पर शॉट निकले, ये होता है अनुभव जो यहाँ के छोटे बच्चों को सीखने की जरूरत, कि लगातार प्रत्येक गेंदों पर चौके छक्के नहीं लगाए जा सकते हैं। गेंदबाज कोई घास छीलकर नहीं आया है, वो भी काफी तेज तर्रार गेंदबाज हैं। अच्छा शॉट और ये भी गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। राजेश सिंह के बल्ले से लगातार चौके छक्कों की बारिश। अच्छी बल्लेबाजी, लंबी गेंद, अतिरिक्त जोखिम मोल नहीं लिया। एक और ओवर संपन्न, कुल 8 ओवर की समाप्ति के बाद फॉरबिसगंज का कुल योग है 2 विकेट के नुकसान पर 111 रन। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद, 1 रन से संतोष। रिकू एक बार फिर से राजेश सिंह के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं राजेश सिंह, गेंद के आने का इंतजार किया। पॉइंट की दिशा में गेंद गई थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 112 रन, 2 विकेट का पतन हुआ है। आप देख रहे हैं फारबिसगंज बनाम गुना 11 का मैच। इसी बीच नो बॉल का इशारा अंपायर नसीर का आता हुआ, तो एक और इशारा आया सुदर्शन चक्र घूमता हुआ उनका, यानी फ्री हिट। और फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं राजेश सिंह, ये देखना दिलचस्प होगा। रिकू की गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। अब तक 3 नो बॉल फ्री हिट मेरा, एक बार फिर से कनेक्ट नहीं कर पाए, क्रॉस द लाइन आए थे। रिकू चालाकी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, होशियार क्रिकेटर हैं रिकू। कल बेहतरीन बल्लेबाजी की इन्होंने, कई लाजवाब शॉट्स लगाए तो कई जमीनी शॉट खेलकर दर्शकों के दिलों को जीता, लेकिन मैन ऑफ द मैच से थोड़े से पीछे रह गए थे ये।
ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत शॉट जो लेदर बॉल के क्रिकेटर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनके बल्ले से आप इतने शानदार शॉट्स देखेंगे जो छक्के से ज्यादा बेहतर देखने में लगेगा। राजेश सिंह गए अपने 15 के निजी ओवर पर और टीम की रन संख्या फॉरविसगंज 114 दो विकेट के नुकसान पर। रिंकू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक मौजूद है वहां पर और एक दो उछाल के बाद गेंद खुद ब खुद रुकी। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए। चकमे में डाला बल्लेबाज राजेश सिंह को। ओवर संपन्न हुआ तो कुल ओवर नंबर 9 संपन्न हुए हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 115 रन दो विकेट के नुकसान पर फॉरविसगंज राजा खेल रहे हैं, दो पर राजेश सिंह खेल रहे हैं अपने कुल 15 के निजियों पर। तो टिंकू आए हैं 10वें ओवर को लेकर हटिया एंड की तरफ से, अपना स्पेल का दूसरा ओवर टिंकू राजा के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया स्वीपर कवर की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। ये 22 गज की दूरी जो है वो 22 गज की नहीं होती है, एक विश्व आप नाप रहे होते हैं, एक मैराथन दौड़ जीत रहे होते हैं या एक स्प्रिंट जीत रहे होते हैं 100 मीटर का, जब आप छोटे रन चुराते हैं। और क्रिकेट का खेल अब मामूली नहीं रह गया है। इस खेल में जितने ज्यादा आप तंदुरुस्त रहेंगे, जितना सवेरे उठकर वर्जिश करेंगे, अपने फिटनेस को बनाकर रखेंगे, अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी आप मजबूत रखेंगे, लचीलापन को कायम रखेंगे, तभी आप आजकल के क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा ये सो के आए और बल्ला थाम लिया, उसमें आप आगे नहीं जा सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए मेरी नसीहत होगी। बड़ा मुकाबला, शॉट खेलना चाहते थे सामने की दिशा में, चूंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। गेंद आई स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन और इस सिंगल के जरिए 117। पिछले कुछ गेंदों में रन रुके हुए हैं और अच्छा शॉट, बहुत ही ज्यादा बाहर गेंद फेंक दी थी टिंकू ने और शानदार फायदा, 4 रन निकलता हुआ। 121 फॉरविसगंज। टिंकू राजा के लिए बैक टू द बॉलर खेला है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए और सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या 122, दो विकेट के नुकसान पर 122 रन। और हुजूम देखें, आवाम देखें, जो ऑडियंस है वो काफी संख्या में अब इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्योंकि आज महान चूड़ा दही का पर्व। तो कुल 10 ओवर की समाप्ति हुई है, फॉरविसगंज दो विकेट के नुकसान पर 123। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, राजेश सिंह खेल रहे हैं 2 चौके 1 छक्के के साथ 16 पर और राजा बल्लेबाजी कर रहे हैं 8 के अपने निजी योग पर। फॉरविसगंज 123 रन दो विकेट के नुकसान पर 10 ओवर संपन्न हुए। यादत, अच्छा शॉट है, लाजवाब शॉट है, लेकिन सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथों में एक और विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं मुन्ना मेंडिस, प्रमोट किया गया है मुन्ना मेंडिस को, बल्लेबाजी करने आए हैं मुन्ना मेंडिस। और राजेश सिंह ने कहा कि भैया मुन्ना मेंडिस को भेजो प्रमोट, और इनका ये निर्णय बिल्कुल सही, पहली गेंद पर चौका निकलता हुआ। साथ रहने दो, बहुत ही खूबसूरत शॉट है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्ररक्षक के सीधे हाथों में जाती हुई गेंद। तो नंबर 6 बल्लेबाज के रूप में प्रेम की एंट्री हुई है, एक बड़ा दायित्व इनके सामने कि राजेश सिंह का ये सहयोग करें, एक साझेदारी निभाएं। अच्छी बल्लेबाजी, तेज गेंद थी, सीधी गेंद थी, अंदर की तरफ थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई पड़ी। अगर कल 2 सफलताएं अर्जित करते और इनके रन रहते 58 तो मैन ऑफ द मैच यही होते, लेकिन जॉनसन ने शानदार गेंदबाजी करके कल मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त किया था।
तो कुल 11वां ओवर संपन्न हुआ है। फारबिसगंज 4 विकेट के नुकसान पर 128 रन, प्रेम का खाता खुलना बाकी, जबकि राजेश सिंह खेल रहे हैं अपने कुल 17 के निजियों पर। पुणे लाजवाब गेंदबाजी की, इस ओवर में मात्र 5 रन दिए और 2 शानदार सफलताएं अपनी टीम को दिलाईं। अच्छा शॉट, राजेश सिंह ने क्या कमाल की कलाकारी दिखाई भाई, एक लंबा छक्का निकल गया उनके बल्ले से। राजेश सिंह के बल्ले से दूसरा छक्का निकलता हुआ टिंकू, अच्छा शॉट है, लाइए सड़क के उस पार गेंद गई है, 120 मीटर की दूरी पर जाकर गिरती हुई। राजेश सिंह पूरी लय ताल में दिखाई पड़ रहे हैं आज। बहुत देर से बिल्कुल उनका बल्ला खामोश था, हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी चर्चाएं हो रही हैं, नदीम साहब, अजर जी, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि खामोश थे, अब उनका बल्ला गरज रहा है। राजेश सिंह 2 छक्कों की मदद से 17 गेंदों पर 29 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे टिंकू की गेंद का, लीजिए एक और छक्का लगता है तो 453 रुपये का पुरस्कार, 453। जी नहीं, इन बातों से कोई मतलब नहीं, बड़े खिलाड़ियों को होता है, अपना खेल खेलते हैं, विकेट नहीं गंवाते हैं। अच्छी खबर ली राजेश सिंह ने इस ओवर में टिंकू की, और एक्सीलेटर को उन्होंने टॉप गियर में डाल दिया और अब 141 का योग अच्छा खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। प्रेम जबकि अपने खाते खुलने के इंतजार में 2 गेंदों का सामना किया है, टिंकू राइट आर्म, और यहाँ पर उनके शरीर से लगती हुई गेंद स्लिप की तरफ आई थी, किसी तरह का कोई खतरा। एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद की जद में पहुंचे थे, नीचे से उठाना चाहते थे, जमीन खोद कर भी कई बार बल्लेबाजों ने छक्के लगाए हैं, मैंने देखा है, तो जमीन खोदने की कोशिश में नाकामयाबी हाथ लगी, नहीं तो एक ऊंचा दूर जाता हुआ छक्का नजर आता। लेकिन भाई टिंकू लाजवाब गेंदबाज है, एक बोल हुआ अभी। हाँ ये देखिए अपने स्लोअर में उलझाया, और इसी के साथ टिंकू की जो 2 गेंदें बची हुई थी वो डालकर ओवर संपन्न। 12 ओवर की समाप्ति के बाद फारबिसगंज का कुल योग है 141 रन, 4 विकेट के नुकसान पर राजेश सिंह 3 छक्के और 2 चौकों के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 गेंदों में 30 रन बनाकर, 166 का स्ट्राइक रेट राजेश सिंह का। और राजेश सिंह अब सामना करेंगे रिक्कू की गेंद का, फील्ड पोजीशन विकेट कीपर पीछे, एक स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, चारों तरफ फील्ड बिखरा हुआ, जमीनी शॉट लाजवाब होता है, एक स्ट्रक ओवर की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है। राजेश सिंह ने 1 रन लिए, 142 रन फारबिसगंज, 13वां ओवर प्रगति पर, 4 विकेट का पतन हुआ है, पहला विकेट 96, दूसरा 96, तीसरा 124, चौथा 128, और अब आवश्यकता है कि इस विकेट को थोड़ा देर और टिकना चाहिए। बॉटम ऑफ द बैट, नीचे बल्ले से टकराई, खाता खुलना शेष है प्रेम का, 6 गेंदों का अब तक सामना किया है, खाता खुलना शेष है उनका। अच्छी कैचिंग हुई है, तैयार थे स्लिप में क्षेत्ररक्षक, और भाई बगैर खाता खोले वापस पवेलियन आने वाला फारबिसगंज का ये पहला बल्लेबाज है प्रेम। तो रिक्कू ने अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई है और प्रेम बगैर खाता खोले वापस पवेलियन लौट रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किए और 0 पर वापस पवेलियन। 14 रन मात्र जोड़ पाने में सफल हुए थे अपने साझेदारी के दौरान प्रेम, हालांकि खाता उनका खुला नहीं, जांचा परखा, जाने दिया विकेटकीपर के सुरक्षित दास्तानों में, वाइड का इशारा, अंपायर का आता हुआ, काफ़ी करीबी मामला नजर आया था। एक अच्छी बात यहां पर यह देखी जा रही कि किसी भी निर्णय पर खिलाड़ियों को भी आपत्ति नहीं होते और अंपायरिंग भी उच्च स्तर की हो रही है।
सीधी रहती हुई गेंद, ओवर स्टेपिंग हो गई और इशारा आ गया नौ बॉल का। तो अब फ्री हिट का इशारा आया है अंपायर का, ओवर स्टेपिंग हुई थी रिको, राइट आर्म ओवर द विकेट। और यहां पर जो आपकी शक्ति है, जो आपका ताकत है, जो आपकी नजाकत है, उसके हिसाब चलेंगे तो आप जिंदगी में अवश्य सफल होंगे। शॉर्टकट अपनाने पर आपने देखा होगा कि कई बार कई दफे जिंदगी में आप पीछे रह जाते हैं। रोनित अपने जगह खड़े होके बॉल को दबाया सामने, रन की कोई गुंजाइश नहीं। रन में बता दूं दोस्तों 144 थम सा गया है, पहले लग रहा था 150 पर पहुंचने वाली है स्कोर टीम का, 150 से अभी दूर 6 रन। और यहां पर फिर से उसी स्कोर उसी शॉट की पुनरावृत्ति में जॉनसन के पास गेंद गई, ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल 144 रन 145 ओवर नंबर संपन्न हुए हैं 13 144 रन 13 ओवर की समाप्ति के बाद, जबकि विकेट 5 गिर चुके हैं। जॉनसन की गेंद और इस बार फिर से उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली की अपनी गेंदबाजी एक्शन में। जॉनसन फिर से गेंदबाजी के लिए फार वे एंड की तरफ से, हटिया एंड की तरफ से हल्के हाथों से गेंद की थी, बल्लेबाज को मजबूर किया कि आप लंबे शॉट के लिए नहीं जा सकते हैं। बैटिंग खत्म हो गई। एक बार फिर से यहां पर सामने की तरफ कवर से एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। घेरे के अंदर की अगर बातें करें तो विकेटकीपर और गेंदबाज सहित 6 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी बाहर। तेजी से रन लेने की आवश्यकता है, अगर गिल्ली में गेंद लगती तो शर्तिया दौड़ते रह जाते। राजेश सिंह अच्छा शॉट, खाली पड़ा हुआ क्षेत्र और एक्स्ट्रा कवर की जानिब शानदार चौका, इसी के साथ रनों की कुल संख्या 150 को पार करती हुई फॉरबिसगंज 151। भारी हुजूम यहां पर मैं कैप्चर कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के दर्शकों को दिखाने के लिए, गढ़िया है बिहार के अंदर मधुबनी जिला में। और अजहर जो कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ स्कोरिंग में साथ देते हैं, उन्होंने बताया कि पहली दफा बल्लेबाजी करते हुए किसी टीम ने इस टूर्नामेंट में 2021 के टूर्नामेंट में पहली दफा 150 के आंकड़े को छुआ है। 14वां ओवर भी संपन्न हुआ इस चौके के साथ, 151 रन 5 विकेट के पतन के पश्चात फॉरबिसगंज 15वें ओवर को लेकर आए हैं। एक बार फिर से रिको, जिन्होंने कल शानदार अर्धशतक जमाया था, 2 विकेट अब तक, 3 विकेट रिको प्राप्त कर चुके हैं। आह बेहतरीन शॉट, एक फटाका, एक धमाके की आवाज आई थी बल्ले से, उन्होंने एक रन लिए और इस एक के जरिए रनों की संख्या 152 फॉरबिसगंज। ओवर नंबर 15 माफे का जा रहा है। फील्ड प्लेसमेंट में हमेशा कुछ न कुछ तब्दीलियां चलती ही रहती हैं, स्लॉक्स के ओवर चल रहे हैं, लेकिन जो तब्दीली नहीं होती वो बाउंड्री लाइन पर सभी खिलाड़ी अपनी जगह रहते हैं और उन जगहों में लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ शॉट, एक डीप मिड विकेट या कहें एक वाइडिश लॉन्ग ऑन भी लगा रखा है और एक खिलाड़ी स्वीपर कवर में बाउंड्री लाइन पर। और यहां पर बाल बाल बचे बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से से टकराती हुई विकेटों के बगल से गुजर गई गेंद, अच्छा शॉट है, गिरते पड़ते शॉट को तो लगाया लेकिन मात्र एक रन ही पाया इस ओवर में। राजेश सिंह
बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। व्हाइटिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई थी दोनों बल्लेबाज। 154 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। पिछला विकेट गिरा था 142 के युग पर और अब 154। 35 के नीचे स्कोर पर कालेश्वर 35 पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश सिंह। बात है बॉलिंग विश्लेषण सुनिए रिकू का। 4 ओवर 15 रन और 3 विकेट। एक बार जोरदार ताली रिकू के लिए। 3.75 का इकोनॉमिक रेट के हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की। एक नया ओवर शुरू होते हुए और क्या उछाला है राजेश सिंह ने। शानदार, बेहतरीन, शानदार छक्का लगाया है भाई। एक बार जोरदार तालियां, दर्शकों से गुजारिश करूंगा। गुलगनों की संख्या 160। राजेश सिंह पहुंचे अपने 41 के निजी योग पर। अच्छा शॉट, अब तक का स्टेट में मारा गया सबसे लंबा छक्का निकला है। 47 पर पहुंचे हैं राजेश अपने अकेले दमखम पर। इस स्कोर को फॉरबिसगंज के नैया को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, किनारे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राजेश सिंह पहुंचे अपने छक्के की मदद से 47 पर और टीम फॉरबिसगंज कुल योग 166। लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कारीगरी दिखाने की कोशिश की। गेंदबाज ने पहले भांप लिया था कि राजेश सिंह ने अपने बल्ले के ग्रिप को बदला है। और बल्ले पर ले नहीं पाने का भरपूर अफसोस मना रहे हैं राजेश। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन शॉट, शानदार चौका और इसी के साथ राजेश सिंह का 50 लगता हुआ अर्धशतक ठोक दिया है राजेश सिंह ने। 29 गेंदों में अपनी अर्धशतक और एक और शानदार शॉट, लाजवाब चौका निकलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अखिलेश, दमखम कर फॉरबिसगंज की इनिंग को रफ्ता रफ्ता आगे ले जा रहे हैं राजेश सिंह। बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज के गेंद और एक बार फिर से घुमाया है, गेंद चली जा रही है स्पेल की दिशा में। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस 1 रन के जरिए फॉरबिसगंज की पारी का 16वां ओवर भी संपन्न हुआ और रन है कुल 176 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बिल्कुल राजेश सिंह एक बार फिर से जॉनसन की गेंद का सामना करेंगे। थोड़ी सी मायूसी तैरी है गुना 11 के बीच। जॉनसन बाएं हाथ से और बाएं हाथ के बल्लेबाज, ओहो लाजवाब शॉट। आज गेंद उतरने वाली नहीं है, महेश जी के घर पर गेंद लाइए खोजकर। क्या बात है, दिल जीत लिया राजेश सिंह के बल्ले से। ये छक्का नंबर निकला है कुल छठा छक्का, 6 छक्के लगा चुके हैं राजेश सिंह अपने निजी युग पर। 62 पर खेल रहे हैं, फॉरबिसगंज का कुल योग चला गया है 182। 182 ओवर नंबर ये कुल फेंका जा रहा है 17वां। 5 विकेट का पतन हुआ, 182 रन राजेश सिंह, 62 जॉनसन। लेफ्ट आर्म, अच्छा शॉट है, क्या बेहतरीन, लाजवाब, दिल को जीत लेने वाली इनिंग्स खेली है आज राजेश सिंह ने। छक्के में ताकत तो इस गेंद में, नजाकत इस शॉट में। फुल टॉस बॉल और फिर से घुमा दिया है और एक और शानदार चौका। दोनों क्षेत्ररक्षक खड़े रह गए, मौका नहीं मिला उन्हें। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है। राजेश सिंह धनाधन चौके छक्के की बारिश कर रहे हैं, एक इतिहास रच रहे हैं आज के दिन विशेष में। आज मकर संक्रांति का पर्व और मकर संक्रांति पर शायद आज ज्यादा चूड़ा दही खा के आए हैं राजेश सिंह। 70 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश सिंह। जॉनसन की गेंद के सामने, अच्छा शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। और 76 जो व्यक्तिगत योग है इस टूर्नामेंट का 2021 का हाईएस्ट, उससे करीब पहुंचते हुए 71 पर राजेश सिंह। जॉनसन
और थोड़ी सी गेंद में मूवमेंट दिखी, कटर बॉल ऑफ, कटर के तौर पर यह गेंद निकल गई बाहर। रन कुल मैं बताना चाहूंगा प्यारे दर्शकों को 191 191, रन 200 से 9 रन पीछे। जॉनसन की गेंद थोड़ी देर हवा में लड़ाती हुई, दो तीन टप्पे खाने के बाद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 195 रन। फॉरविस में कुल 19 रन ठोक डाले इन दोनों बल्लेबाजों ने। 71 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश सिंह और रोनित खेल रहे हैं 11 रनों पर। एक बार फिर से सामने वाले एंड की तरफ से टिंकू आए हैं, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश सिंह अपने स्पेल की आखिरी ओवर और स्पेल के आखिरी ओवर की पहली गेंद का स्वागत किया है राजेश सिंह ने जबरदस्त चौके के साथ। राजेश सिंह पहुंचे चौके की मदद से 75 पर और 199 का योग फॉरबिसगंज 5 विकेट के नुकसान पर 200 से 1 रन दूर। टिंकू राजेश सिंह के लिए ह्यूज ह्यूज एंड मैन ऑफ सिक्स पर राजेश सिंह 200 रन पूरे हो गए फॉरबिसगंज टीम के 205 और राजेश सिंह पहुंचे 81 पर हैं बिल्कुल 81 19 रन दूर अपने शतक से, लाजवाब बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। टिंकू राइट आर्म नाउ द विकेट और एक बार फिर से शॉट को खेलना चाहते थे, थोड़ा सा रूम बनाया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जमीनी शॉट लगाने की कोशिश में नाकामयाब रहे लेकिन एक रन मिला राजेश सिंह को। राजेश सिंह पहुंचे अपने कुल 82 पर और टीम फॉरबिसगंज 206 रन 216 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश सिंह। टिंकू और इस बार करिश्मा दिखाया कुछ जादूगरी कारीगरी की, टिंकू ने मुठियां भीजते हुए गेंद डाली, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल, गेंदबाज की गति को ढांप नहीं पाए बल्लेबाज, एक डॉट बॉल। अच्छा शॉट, टिंकू की अच्छी खबर ले रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज, चाहे रोनित हो या चाहे राजेश सिंह, एक और छक्का निकलता हुआ। कुल रनों की संख्या चली गई 212। एक और तगड़ा शॉट लेकिन सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक और रन। ये 18वां ओवर अब जाकर कंप्लीट हुआ है, 18 ओवर की समाप्ति के पश्चात फॉरबिसगंज 213 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पिछले तीन ओवर में 56 रन निकले हैं और यहां पर रिवर्स शॉट, दो क्षेत्र रक्षक और यहां पर दर्शकों की अफरा तफरी के बीच थोड़ी सी गड़बड़ी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, चौका निकलता हुआ। और एक और लाजवाब छक्का निकल गया रोनित के बल्ले से। जी हाँ, रनों का सैलाब, ओह माय गॉड, ह्यूज एंड मैन ऑफ सिक्स, लोको पोको शॉट, गेंद को टहलाने के लिए नेपाल भेज दिया है बल्लेबाज ने। और फॉरबिसगंज 229 रन, रोनित 33 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोनित ने भी राजेश सिंह से कहा कि मैं आपसे पीछे नहीं रहूंगा बॉस। जॉनसन भाई हाथ से एक और फुल लेंथ बॉल बल्ले पर सीधे तरीके से ले पाने में सफल हुए थे लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए रोनित। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है फॉरबिसगंज की तरफ से। एक और डॉट बॉल, रोनित भी अर्धशतक के करीब, चाहे तो अपने अर्धशतक। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी आखिरी बॉल, 19 ओवर संपन्न हुए, फॉरबिसगंज 5 विकेट के नुकसान पर 229 रन। राजेश सिंह खेल रहे हैं अपने कुल निजी 82 पर और रोनित से खेल रहे हैं अपने कुल 32 के योग पर, फॉरबिसगंज 229 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब मात्र 6 गेंदों का खेल शेष है फॉरबिसगंज की इनिंग में, ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प
होगा कि राजेश सिंह क्या अपने शतक को पूरा करते हैं। गेंदबाज जीता है तीसरा ओवर और आखिरी ओवर अपनी टीम की तरफ से फेंकेंगे। 20वां दर्शकों में थोड़ी सी शोरगुल अब होनी चाहिए। 18 रन शतक से दूर, एक शॉट 12 रन अपने शतक से दूर। राजेश सिंह पहली गेंद पर छक्का, राजेश सिंह पहुंचे 88 पर। शानदार छक्का राजेश सिंह के बल्ले से निकलता हुआ, 88 पर खेल रहे हैं राजेश सिंह और टीम की रन संख्या चली गई कुल 235। अमरजीत राजेश सिंह के लिए हल्की गेंद, लेकिन सिंगल नहीं लेंगे। मुझे मालूम है राजेश अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे। हल्की हल्की गेंदें डालकर राजेश सिंह को भी, और इस दिमागी खेल में जीत हासिल की राजेश सिंह ने, और एक गगनचुंबी छक्का खूबसूरत अंदाज में उछाला है और अपने स्कोर को पहुंचा दिया राजेश सिंह ने 94 पर। राजेश सिंह बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज, दो गेंदे शेष हैं। राजेश सिंह को चाहिए मात्र एक छक्का शतक बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ राजेश सिंह आउट हो गए। राजेश सिंह मायूस, ये कैच पकड़ा गया है लेकिन अभी तक वहां तो ये नौ बॉल का इशारा आया था। 242 रन और शतक बनाने का मौका, लेकिन एक रन लेना नहीं चाहेंगे। अब आखिरी गेंद आएगी और शतक से मात्र 6 रन पीछे हैं राजेश सिंह। आखिरी बॉल 20वें ओवर की फॉरबिसगंज की तरफ से फेंकी जाएगी और देखना है कि क्या करिश्मा होता है। दर्शक दम साध कर मैच देख रहे हैं और ये बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। मुझे चौका आता हुआ, शतक पूरा नहीं कर पाए लेकिन नॉट आउट लाकर शतक से ज्यादा महत्वपूर्ण ये पारी मैं मानूंगा। बेशक तीसरे अंक में बेशक राजेश सिंह नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने दिलेरी से, अपनी जाबाजी से, अपने जोशो जुनून से यहां के दर्शकों का दिल जीता है। मैं चाहूंगा पुरकशिश अंदाज में इस्तकबाल करें, तालियां बजाकर एहतराम करें, स्वागत करें बिहार के इस जाबाज खिलाड़ी राजेश सिंह का नॉट आउट 98। तो मैं ये बताते हुए सारे दर्शकों को ये बताते हुए कि टॉस जीतकर पहले फॉरबिसगंज की टीम ने 246 रन बनाए और जीत के लिए गुना 11 के सामने लक्ष्य रखा 247 रनों का 20 ओवर के अंदर। मैं दूसरी पारी में फिर से आपसे जुड़ूंगा, तब तक मैं अपने बेहतरीन स्कोरर अजहर अली और नदीम साहब और हमारे स्टेटिशियंस इरफान भाई के साथ मैं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस ले चलता हूं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैं पीएन शेखर गढ़िया और आसपास के करीब 50 गांव के जो लोग यहां पर मुकाबले को देखने आए हैं उन्हें प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, उनका खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। दो बल्लेबाज गुना 11 के मौजूद, एक हैं जॉनसन और दूसरे सोनू, और ने जो जीतने के लिए लक्ष्य दिया गया है वो है 246। माफ करें कि 247 रनों का लक्ष्य, 246 रन बनाए थे और इस गर्ल्स की टीम ने, और पहला स्कोरिंग शॉट निकलता हुआ जॉनसन के बल्ले से खाता खुला गुना 11 का, एक रन बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर पहली गेंद डाली गई है, गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड यानी नेपाल एंड से अप्पू सरकार, जिन्होंने ओपनिंग बल्लेबाजी भी की थी और अप्पू सरकार गेंदबाजी में भी ओपन करने आए हैं। शानदार 47 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया था, 5 छक्का और 4 चौके लगाए थे। अब गेंदबाजी कर रहे हैं अप्पू। सोनू ने गेंद को उछाला है, वाओ
राजेश सिंह का दिन विशेष है आज। क्या शानदार कैच पकड़ा है राजेश सिंह ने, अपनी जगह पर लगभग 18 इंच उछाल भरते 1.5 फीट की ऊंचाई उन्होंने अपनी बनाई और मुश्किल से 5 फीट 8 इंच के हैं, लेकिन 6.5 फीट की ऊंचाई से निकल रहे गेंद को लपका और बेहतरीन कैच लपक कर पहले विकेट को गिराने में अपना अहम योगदान दिया। राजेश तुम्हारी फील्डिंग देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और अजहरुद्दीन मिल गया है। नए बल्लेबाज के रूप में पहली सफलता देती हुई अप्पू सरकार को बाएं हाथ से राउंड द विकेट और इस बार मुट्ठियां भींचते हुए गेंदबाजी बेहतरीन। ये गेंद अच्छी गेंद, फिर से थोड़ी सी धीमी रफ्तार की डाली गई, बल्लेबाज अनुमान नहीं लगा सके गति की, अपने सामने ही खेला। पूरे यूनिश ट्रॉफी के अंदर आज का मुकाबला कुछ विशेष कुछ अलग किस्म का नजर आ रहा है, क्योंकि पहली दफा 200 के पार स्कोर गई है। हवा में लेकिन लाजवाब वेलकम करते हुए कमेंट्री बॉक्स के ठीक दाहिनी ओर से उछाल दिया, शानदार छक्का निकलता हुआ। प्रत्येक छक्के पर 21 रुपया का नगद पुरस्कार। खेल की लंबाई तक पहुंचे थे लेकिन ओवर संपन्न हुआ, पहला ओवर संपन्न 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन × 11, जबकि जीतने के लिए कुल 247 रनों का लक्ष्य सामने रखा है। शानदार 98 रन बनाए राजेश सिंह ने, अब सरकार ने बेहतरीन 47 रन की पारी खेली और उनके साझीदार एक आए थे अतुल, जिन्होंने शानदार 42 रन बनाए थे। 33 रन का योगदान रोनित सिंह ने दिया था। सोनू गेंदबाजी करने आए हैं, हटिया एंड की तरफ से सामना करेंगे जॉन से। अच्छी बल्लेबाजी, थोड़ी सी जगह अपने लिए बनाए, जिसे आप रूम बनाना कहते हैं। कवर्स एरिया में मौजूद राजेश सिंह, रन की कोई गुंजाइश नहीं, तो आज का पूरा मैच राजेश सिंह और दो ओपनर्स बल्लेबाज जो आए थे अप्पू सरकार और अतुल के इर्द गिर्द घूमती रह गई। ओहो, चकमे में डाला बल्लेबाज को। तो मैं बातें कर रहा था बल्लेबाजी की, इन तीन बल्लेबाजों ने मिलकर लगभग 200 रन बना दिए, 96 रनों की एक लाजवाब साझेदारी अप्पू सरकार और अतुल के बीच हुई थी और उसके बाद 246 का आंकड़ा नजर आया था। बाहर निकले हैं गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक पीछे रह जाएंगे। कोशिशें खूब की गई लेकिन गेंद से काफी दूर थे, क्षेत्र रक्षक बाउंड्री लाइन पर थे। ले हुए इस सिंगल के जरिए 48 रन के 246 बनाए हुए रन, जो कि 247 से लक्ष्य मिला उन्हें, कुल रनों की संख्या 8×11, 1 विकेट का पतन हुआ है। और तब से अब तक दोनों बल्लेबाज तलाश में खुद को जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रनों का एक भारी भरकम दबाव है उनके ऊपर। संजय गैप में खेला गया शॉट, लाजवाब जमीनी शॉट, शानदार चौका। अच्छी बल्लेबाजी, जैसे ही देखा कि गेंद की लंबाई तक मैंने खुद को एडजस्ट नहीं किया तो जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। और क्रिकेट के खेल के अंदर एक अच्छी बात यह होती है कि जिस तरह से गेंदे को खेलना अच्छा होता है, गेंदे लिफ्ट करना भी बड़ी अच्छी बात होती है। हालांकि छोटे प्रारूप का मुकाबला, ज्यादा गेंदे लिफ्ट नहीं की जाती है बल्लेबाजों द्वारा। अच्छा शॉट, उछाल अच्छी लेकिन थोड़ी सी दूरी रह गई, बिल्कुल उंगलियां छूती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए।
जी बिल्कुल, दर्शक शुक्रिया आपका, आप तालियां बजा रहे हैं, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तूल हरण और इसी के साथ रवि जा बॉलर, रवि जा एक और ओवर संपन्न होता हुआ। गेंदबाजी में रवि आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इनकी गेंदों पर मैंने कम से कम 5 मैचों में कीपिंग भी की है और इस बार एक अपने टीम के खिलाड़ी को देखना अच्छा लग रहा है मुझे। दूर दूर तक क्रिकेट खेलते हैं, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है रवि का बाहर खेलना। ये देखिए अच्छी खबर ली है रवि की, बल्लेबाज जॉनसन ने लोको-पोको 6 लाजवाब छक्का। नेपाल की बॉर्डर की तरफ गेंद को भेजा है जॉनसन ने, रनों की कुल संख्या चली गई है 22। व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का, 23 रन लाजवाब बल्लेबाजी हुई थी। और लाजवाब शॉट, बेहतरीन फील्डिंग और यहां पर रन आउट होने के चांसेस दिखाई। लाजवाब बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ और इस बॉल पर चूक कर गए। अच्छी गेंद, एक बहुत अच्छी बात है रवि में की गेंद में जब टप्पा पड़ती है तो ज्यादा उछाल प्राप्त करते हैं ये, क्योंकि कंधे का जोड़ दोनों हाथों का जोड़ लगता है और जमीन पर जब गिरती है पिच पर गिरती है तो उछाल प्राप्त करते हैं अपने शक्ति के जरिए। ये देखिए फिर से उछाल और थोड़ी सी आगे गेंद गिरी, इसमें क्षेत्ररक्षक की कोई गलती नहीं। सारे उछले हुए कैच नहीं होता दमदार मुकाबला। अच्छी गेंदबाजी लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, रनों की संख्या 26। बीच बीच में अगर कोई धूम धड़ाका होता रहता है तो लगता है कि हाँ कोशिशें तेज हुई हैं। और देखिए इसी तरह के धूम धड़ाके की बातें कर रहा था मैं, शानदार चौका, 30 रन गुना 11 का कुल योग, जबकि ओवर नंबर ये संपन्न हुआ है अभी अभी कुल तीसरा ओवर संपन्न, 30 रन, 10 रन प्रति ओवर, एक विकेट के नुकसान पर प्रत्येक ओवर में जो रन बनाने की रफ्तार है 10 रनों की। अच्छी गेंदबाजी, पूरे तरीके से बल्ले पर लपेट कर लेना चाहते थे, डीप मिड विकेट के ऊपर एक छक्का लगाने की कोशिश, जॉनसन कोशिशें कर रहे हैं, अच्छी कोशिशें उनकी, बलिष्ठ, बहुत ही बलिष्ठ लग रहे हैं, ताकतवर इंसान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्रिकेट में ताकत से काम नहीं चलता, टेक्निकल गेम है क्रिकेट, ताकतवर अगर होना हो तो आप सुमो में दिखाइए उसे, WWE में। और देखिए यहाँ पर बड़े मायूस हो रहे हैं, मैं जॉनसन के आउट होने से खुश नहीं, एक बेहतरीन इंसान, जज्बे वाला इंसान मायूस होकर अगर पवेलियन जाता हो तो मुझे बहुत दुख होता है। जॉनसन ने अच्छी कोशिशें की, भैया एक बार जोरदार ताली हो जाए, कल वाले मुकाबले में भी इन्होंने काफी कोशिशें की थी, बेशक आज असफल रहे लेकिन कोशिशें इनकी लाजवाब रही। विकेट का पतन हुआ है, गुना 11 का स्कोर कुल 30 पर दूसरा झटका लगा, पहला झटका लगा था तो उस वक्त योग था 1-29 रन की साझेदारी के बाद वापस जॉनसन पवेलियन लौटे 9 रन बनाकर। रिको आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की व्हाइट पट्टिका के बिल्कुल करीब गिरी थी गेंद, 98 बॉल्स मोर एंड रिक्वायर्ड 217 रन्स, आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, एक ये देखिए, लेकिन इस प्रयास में तीसरी बार सफल नहीं हुए, वाइड का इशारा आया
अंपायर भूषण का और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए टीम की रन संख्या चली गई कुल 31 31 रन। तो कोशिशें तो हो रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है गुना 11 की टीम आज। ये जो रनों का आंकड़ा है लक्ष्य 247 हल्के हाथों से धकेल कर एक रन लिया और इस सिंगल के जरिए रनों की संख्या कुल चली गई 30। बातों ही बातों में एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर नंबर संपन्न हुए हैं चार ओवर के बाद 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज जॉनसन 9 रन बनाकर सोनू जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला 2 विकेट जो गिरे हैं 1 विकेट सोनू ने लिया और दूसरा अप्पू सरकार के खाते में गया था विकेट। तो एक बार फिर से एक और दमदार गेंदबाज जिन्होंने 2 स्लिप लगा रखे हैं एक शॉर्ट फाइन लेग अकॉर्ड पोजीशन पर है वो काफी विकेट कीपर के बिल्कुल बाएं साइड अच्छी गेंद गिरने के बाद टप्पा खाकर बाहर निकले अंपायर नसीर का इशारा वाइड का इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई 33 रन 2 विकेट का पतन हुआ है जबकि ओवर नंबर कुल 5वां फेंका जा रहा है फॉरविसगंज की तरफ से। पहले बल्लेबाजी करते हुए फॉरविसगंज ने 246 रन बनाए 247 रन का लक्ष्य रखा गुना 11 के सामने। यहां तक दर्शकों का आज प्रश्न पिछले सभी दिनों के रिकॉर्ड तोड़ती हुई आज ये भीड़ ये आवाम नजर आ रही है 10,000 के करीब ये दर्शकों का हुजूम आज आपके आयोजन को बहुत लाजवाब बना रहा है और इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता हर दिल अजीज मोहम्मद यूनुस साहब का बेहद ही शुक्रिया। हवा में गेंद एक आसान सा कैच आएगा और इसी के साथ तीसरा विकेट गिरता हुआ पूरी मायूसी छा गई आज दर्शकों में और ये मुकाबला भी थोड़ा सा कमजोर प्रतीत होता हुआ 3 विकेट का पतन हो गया है रनों की कुल संख्या 33 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट गुना 11। और एक बार फिर से हवा में थोड़ी सी उछलती हुई गेंद लहराई थी सिली पॉइंट पर क्षेत्र रक्षक खड़े थे काफी उनके आगे गेंद गिरी और सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आ गए हैं एक बार फिर से डायनामाइट कल लाजवाब 2 गगनचुंबी छक्के लगाए थे डायना ने और क्या गेंद में कटाव अगर सीधी गेंद रहती तो लंबा छक्का जाता तो एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल रनों की संख्या 33 3 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर ये संपन्न हुआ है 5वां जबकि 5 ओवर संपन्न हुए थे फॉरविसगंज की बल्लेबाजी के दौरान तो उनके 79 रन बन गए थे बगैर किसी नुकसान के और यहां पर गुना 11 काफी पीछे नजर आ रही है 3 विकेट का पतन हुआ है 33 रन बने हैं लेकिन क्रिकेट में ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं कभी भी कोई भी टीम पलटवार कर सकती है। तो अभी अभी आउट होकर वापस पेवेलियन गए हैं रिकू जिन्होंने मात्र 1 रन बनाए 7 गेंदों का सामना किया मुन्ना मेंडिस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाजी में बाएं हाथ से राउंड द विकेट गगनचुंबी छक्का गेंद को टहलाने के लिए भेज दिया है हटिया की तरफ जाइए हटिया और खोजिए कि किस खटिया पे गेंद पड़ी है। तो 24 रन आ गए हैं अब तक इस बल्लेबाज के बल्ले से अब तक के सर्वप्रथम बल्लेबाज अली और अली आज खाली नजर आ रहे हैं 24 के 24 रन बाउंड्रीज के जरिए आए हैं लेकिन बल्ले से मुन्ना मेंडिस की गेंद पर स्विप करने की कोशिश में नाकामयाबी हाथ लगी अली अच्छे बल्लेबाज लग रहे हैं और इन्हें कुछ लंबी पारी खेलने की आवश्यकता होगी
थोड़ा सा जांच देख परख कर खेलेंगे। तीन बहुत अच्छा शॉट, देखिए नजाकत, पिछले शॉट में ताकत तो इस शॉट में नजाकत, शानदार चौका। तो इसी के साथ रनों की संख्या पहुंची कुल, लपेटना चाहते थे डीप मिड विकेट की और ओवर नंबर संपन्न हुआ है कुल छह। छह ओवर की समाप्ति के पश्चात गुना 11 कुल 43 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 14.5 रन प्रत्येक ओवर में बनाने पड़ेंगे गुना 11 की टीम को। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक ओवर में एक दो छक्के लगे, चौके लगे, एक कुछ सिंगल्स आए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। और समाप्त कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके पास हौसला है, जज्बा है, जुनून है, ताकत है, नजाकत है, तो आप किसी भी दुनियावी जंग में फतह हासिल करते हैं। मैं उपेन शेखरा और आप देख रहे हैं गुना 11 बनाम हार्ड डिस्कस का सेमीफाइनल प्रथम मुकाबला। गढ़िया के अंदर T20 का ये घमासान छिड़ा हुआ है, जहां पे हुजूम को आप देखें, आवाम को देखें, 10,000 के ऊपर की भीड़ यहां पर नजर आ रही है, और सभी कड़ाके की ठंड पड़े या बरसात हो या धूप हो, किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए चले आते हैं। मुट्ठियां भीजते हुए गेंदबाजी करते हैं अप्पू सरकार, और गेंद जब तक फील्ड की जाती, एक और रन। डायना ने काफी देर के बाद अपना खाता खोला है चार गेंदों का सामना करके, और रनों की संख्या चली गई है गुना 11-44, 44 रन 3 विकेट के पतन के पश्चात, जबकि ओवर नंबर को ये फेंका जा रहा है सातवां। अप्पू सरकार बाएं हाथ से राउंड द विकेट, गेंद हवा में, एक आसान सा कैच ड्रॉप हो गया, विकेट कीपर ने कहा मेरे पास दास्ताने हैं, मुझे कैच लेने दो, तो गेंदबाज ने कहा कि भैया मैं भी कैच ले सकता हूं, और इसी बीच गेंद हंसती खिलखिलाती ठहाके लगाती हुई, गेंद ने कहा कि मैं बेवफा प्रेमिका हूं, जाओ, मैं किसी के पास आने वाली नहीं। एक शॉट थोड़ी सी हवा में नची, राजेश सिंह वहां पर गेंद के साथ थोड़ी सी अटकेलिया कर रहे हैं। 47 रन, और वन हैंडेड शॉट दिखाई भी नहीं पड़ रही है, और गेंद पता नहीं कहां जा रही है। भाई बजाइए जोरदार तालियां, गुना एनेबल के 50 रन पूरे हो गए भाई। अच्छा शॉट, दमदार शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद मिलेंगे, उन्हें एक रन से संतोष करना पड़ेगा इस सिंगल के जरिए। 3 रन गुना 11, परछाइयां नजर नहीं आ रही हैं, और तल्ख हवाएं, बर्फीली हवाएं शरीर को भेद देती हुई निकलती चली जा रही हैं, और पक्षी अपने घरों की तरफ उड़ रहे हैं, और दरख्त के पत्ते हिलते हुए ये बता रहे हैं कि जिंदगी में आप भी हिलते डुलते रहें, चलते रहें, और जो झंडे हैं वो भी लहरा फहरा रहे हैं, और बता रहे हैं कि भाई जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है, और जब तक आप चलेंगे, आपकी सांसें चलेगी, आपके अरमान जिंदा रहेंगे। समेटने की कोशिश, लपेटने की कोशिश, और ऊपर खड़े विकेट कीपर ने सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। फील्डर्स में चुस्ती दुस्ती, क्योंकि वो आपके पास रन बहुत ज्यादा अपने इकट्ठे किए हैं। अच्छा शॉट, हेडन डायनामाइट, डायना के बल्ले से एक और लाजवाब छक्का निकलता हुआ। रनों की कुल संख्या छक्के से 59, एक और शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं, तेजी से शॉट खेला गया था, तेजी से फील्डिंग हुई, और थ्रो भी बहुत ही जल्दी पहुंचा गेंदबाज के पास, तो ऐसे में रन नहीं मिलते। 59 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, प्रोग्रेसिंग नाउ एट ओवर। रन में पिछड़ते चली जा रही है गुना 11 की टीम। अच्छा शॉट, हमारी बातों का अच्छा जवाब दिया,
डायनामाइट बल्लेबाज डायना ने लाजवाब छक्का डायनामाइट डायना के बल्ले से निकलता हुआ कुल रन पहुंच गए हैं 65। 74 गेंदों में 182 रन चाहिए जीतने के लिए और एक और छक्का लाजवाब बल्लेबाजी। ओह कमाल की बल्लेबाजी हो रही है और दर्शक खामोश हैं कि महक को इस कदर की बहारों को होश आ जाए और बजाओ इतनी जोरदार तालियां की बल्लेबाज को जोश आ जाए। ये जोश कुछ ज्यादा ही आ गया था। चलिए एक बार फिर से मैं मैच में लेकर चलता हूं। आखिरी ओवर लेकर आए हैं अब सरकार। समझदारी भरी गेंदबाजी करते हैं, मुट्ठियां भींच कर गेंद फेंकते हैं। गेंदबाजी विश्लेषण में बताना चाहूंगा, 3 ओवर 1 गेंद में 18 रन और 2 सफलताएं अब सरकार हासिल। सफलतम गेंदबाज हैं, जी हाँ बिल्कुल। और ये बहुत ही खूबसूरत नजाकत भरा शॉट, लाजवाब शॉट बाउंड्री लाइन के ऊपर से शानदार छक्का निकलता हुआ, शानदार छक्के का इशारा था। कुल रनों की संख्या इसी के साथ 77। बहुत खूबसूरत शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद, सामने की दिशा में शॉट खेला गया था हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक बाईं तरफ। जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिया, 78 रन गुना 11 का कुल योग। ओवर नंबर ये कुल फेंका जा रहा है 9। हवा में गेंद क्षेत्ररक्षक मौजूद नीचे और यहां पर एक आसान सा कैच पकड़कर चौथे विकेट को भी प्राप्त कर लिया है फॉरबिसंस की टीम ने। तेरह गेंदों का सामना किया है डायना ने, 26 रन पर बल्लेबाजी करके वापस पेवेलियन लौटे हैं। धूम धड़ाका कर दिया था, 4 छक्के लगाए और खलबली मचा दी थी पूरे दर्शकों में, उत्तेजना की लहर दौड़ा दी थी। थोड़ा देर और टिकने की आवश्यकता थी। कुछ अजीब करने की कोशिश में थोड़े से दूर रहे, थोड़ा नजदीक और गेंद जाती तो उनके बॉडी पर गेंद आती और फिर कुछ न कुछ यहाँ पे होता हुआ नजर आता, चाहे गेंद छक्के के लिए जाती या उनके शरीर पर लगती हुई वहीं पर गिर जाती। तो गेंदबाज और बल्लेबाज कुछ न कुछ टेक्निकली रूप से करते रहते हैं, बल्लेबाज रिवर्स स्वीप दिल स्कूप और गेंदबाज स्लो डिलीवरी। क्रिकेट ने अपना रंग रूप बिल्कुल बदल लिया है। पिछले जमाने के मुकाबले में आपने देखा होगा कि जब टीमें एक दिवसीय मुकाबले में 250 रन बना लेती थी तो सामने वाली टीम निश्चिंत रहती थी 250 रन बनाने वाली की अब जीत हासिल हो जाएगी, लेकिन आजकल 350 रन सुरक्षित नहीं है और 2020 के मुकाबले में भी 250 रन बनते हैं जैसा कि आज के मुकाबले में बना। बेशक ये लेदर बॉल गेम नहीं है, टेनिस बॉल है, लेकिन क्रिकेट की कहानी दास्तान बदल गई। अब तो T10 के भी मुकाबले शुरू हो गए हैं, हालांकि ऑफिशियली जो होता है आधिकारिक वो नहीं, लेकिन गल्फ कंट्रीज में T10 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। और ऐसे ही एक दिव्यांग क्रिकेट में वर्ल्ड T10 में मेरी कमेंट्री की असाइनमेंट हुई है नोएडा में 11 से 18 मार्च तक। सोनू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद बल्ले और शरीर के बीच से निकलते हुए गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में आहिस्ते से समा गई। सोनू दाएं हाथ से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक 2-3 दौड़ लगा रहे हैं कौन पकड़ेगा कैच और यहां पर एक वरिष्ठ और अनुभवी क्रिकेटर राजेश सिंह ने ये अच्छा कैच पकड़ा है और 5वां झटका लगता हुआ गुना 11 की टीम को। राजेश सिंह ने आज 2 अच्छे कैच लगके 98 रन बनाए और निस्संदेह अगर उनकी टीम जीती थी है तो मैन ऑफ द मैच के बड़े हकदार हैं वो का मुकाबला। मुझे वो फाइनल याद है
पांच विकेट का पतन। राजेश सिंह ने अच्छी कैचिंग की, अभी अच्छी गेंदबाजी, सीधी लाइन लेंथ रफ्तार गति अगर आपके पास है तो निश्चित तौर से आप लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं और ऊपर की क्रिकेट को खेल सकते हैं। मुझे मालूम है कि इस खेल में सभी खिलाड़ी लेदर बॉल के खिलाड़ी हैं। अच्छी गेंद, तेजी पर विश्वास है, लंबी गेंद पर विश्वास है इस गेंदबाज को और किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, कमजोर गेंदें नहीं डाल रहे हैं और एक तेज गेंदबाज की खूबसूरती ही उनकी तेजी होती है। मैं डेनिस लिली, ब्रेटली, माइकल होल्डिंग, मार्शल, इन सबों के गेंदबाजी को देखने में मुझे मजा आया। हो गया, इस बार थोड़ा सा करिश्मा किया था, गेंद ने मूवमेंट की, आठवें ओवर तक बोला, दसवां ओवर 80 रन। लो बैकलिफ्ट से जब आप खेलते हैं तो थोड़ा सा फॉलो थ्रू बल्ले का पूरा करने के लिए आपको नचाना पड़ता है बैट, हेलीकॉप्टर शॉट तभी बनता है। 10 ओवर की समाप्ति हुई और 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात गुना 11 का कुल योग है 80 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 79 रन और जीतने के लिए यहां पर बाकी बची 60 गेंदों में 60 बाकी गेंदें बची हैं। गुना 11 को जीतने के लिए रन चाहिए 166, 166 मोर रन्स रिक्वायर्ड इन 60 बॉल्स। ये बेहद ही होता है और राजेश सिंह बहुत देर के बाद आए गेंदबाजी करने के लिए पहली दफा कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, काफी बाहर की तरफ गेंद, पहली गेंद वाइड करार दी गई अंपायर नसीर के द्वारा। इस सिंगल के जरिए 80, 5 विकेट के 82 रन और यहां पर लपेटना चाहते थे लेकिन स्लोअर डिलीवरी के जरिए डॉट कराया राजेश सिंह ने। तो दो बल्लेबाज पिच पर हैं, राहुल स्पार्टन और अली, और यहां पर एक आसान सा कैच ड्रॉप हो गया, गेंद का पीछा किया था बल्लेबाज ने और उनके बाहरी बल्ले के हिस्से को चूमती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में सीधी गेंद गई और ड्रॉप हुई। दबा के मारा है लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या पहुंची 83, 83 रन, 5 विकेट के पतन के पश्चात, जबकि ओवर नंबर ये कुल 11वां प्रगति पर है। गेंदबाजी कर रहे हैं राजेश सिंह, हवा में गेंद उछलती हुई, क्षेत्ररक्षक पीछे थे, सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर रहेंगे दोनों बल्लेबाज। फाइनली दिशा से गेंद को जब तक उठाया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और लिए। इस सिंगल के जरिए कुल रनों की संख्या 84, 84 रन, 5 विकेट का पतन हुआ है, जबकि ओवर नंबर कुल 11वां फेंका जा रहा है। राजेश सिंह बाएं हाथ के 98 रन बनाए थे राजेश ने आज। अब पहला ओवर संपन्न किया है अपना राजेश सिंह ने और शानदार ओवर संपन्न किया है। इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए, बेशक उन्हें विकेट नहीं मिला, तो कुल 11 ओवर संपन्न हुए हैं, रनों की कुल संख्या 84। तो पहले ओवर में रवि झा ने 14 रन खर्च किए थे, दूसरा ओवर हेलीकॉप्टर स्टाइल में एक बार फिर से शॉट लगता हुआ, जमीनी शॉट। अब एक एक रन से यहां पर काम नहीं चलने वाला है, कंधे खोलने पड़ेंगे, कलेजा चौड़ा करना पड़ेगा और अब लंबे शॉट के लिए जाने होंगे बल्लेबाज को। मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये दर्शकों के मुंह से भी निकला होगा वाइड बॉल। रवि झा की गेंदों पर
इस बार इस ओवर में रन नहीं निकल पा रहे हैं और एक जो तगड़ा बल्लेबाज राहुल स्पार्टन है वो गेंद की जांच परख करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई हमें लंबे शॉट के लिए अब जाने, और हवाएं देखिए कितनी बर्फीली हवा महसूस हो रही है। विनिंग अमाउंट 51,000, रनर की राशि 31 और उसमें ये शानदार ट्रॉफी, विशाल ट्रॉफी। इस मिले हुए सिंगल के जरिए रन पहुंच गए हैं कुल 89, माफ करेंगे 89, 89 रन। खेलने के प्रयास में कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को राहुल स्पार्टन, तो अली अपने कुल निजी स्कोर पर काफी देर से टिके हुए हैं, टिककर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 39 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, राहुल स्पार्टन कुल 5 पर। अच्छा शॉट, कनेक्शन भी सही, और क्या वहां पर कैच लपका गया है या नहीं, या गेंद उनके हाथों में आई, और इसी के साथ एक और इशारा आता हुआ मैं कंफर्म हो लेना चाहूंगा। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की है, तो कुल ओवर नंबर संपन्न हो गए हैं 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल 95 रन गुला 11 का स्कोर, और अब बचे हैं मात्र 8 ओवर्स। रन 48 गेंदे शेष और जीतने के लिए 152 रन बनाने हैं गुना 11 को। 19 रन प्रत्येक ओवर में 3 छक्के मारिए आप, 4 चौके लगाइए, 1 छक्का लगाइए। ओहो, जब तक जीता है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक, और यहां पर एक आसान सा कैच हाथों से निकलता हुआ फिसलता हुआ, और ये नजारा किसी ने नहीं देखा, मैं भी पकड़ नहीं पाया, हिट विकेट हो गए, वो कैच छूटा कोई बात नहीं, उसके पहले बल्लेबाज आउट थे, उनकी गिल्लियां गिर चुकी थी और बल्लेबाज पेवेलियन आ गए। तो ये अजब नजारा है यहाँ पर, न दर्शकों को पता चला, न कमेंट्री बॉक्स में किसी को, और वहां पर क्रीज की गहराई पर गए थे बल्लेबाज, पैर लगा उनका, विकेट में गिल्लियां गिरी, कैच हालांकि छूटा था लेकिन बल्लेबाज पहले आउट होकर वापस पेवेलियन, हिट विकेट। बिल्कुल आज भी मुझे माइक्रोफोन पर बोलना नहीं चाहिए, दर्शक सेकंड पारी में थोड़े मायूस हो रहे हैं। लंबा शॉट, खींच कर मारा गया शॉट, लाजवाब छक्का, लाजवाब एवं दिलेर छक्का। तो इस छक्के की वजह से 100 रन भी पूरे हो गए गुना 11 के, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक और गगनचुंबी इलास्टिक सिक्स, इलास्टिक छक्का लगता हुआ, दौड़ लगा छक्का, राजेश सिंह का स्वागत कर रहे हैं बल्लेबाज अली, और लगातार गगनचुंबी छक्के लगा रहे हैं। अली पहुंचे अपने कुल, अली आउट हो गए, माफ करेंगे आउट हुए हैं अली, तनवीर है ये, और यहाँ पर गेंदबाजी में थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ा सा परिवर्तन अपनी गेंद में राजेश सिंह ने किया, गेंद की गति को थोड़ा सा मध्यम किया, आंच को धीमी की उन्होंने। तनवीर के बारे में मालूम है, अभी हुआ है कि 25 गेंदों में भी शतक मार देते हैं ये, और हवा में गेंद, शतक्षक गेंद के नीचे, और यहाँ पर एक आसान सा कैच पकड़कर तनवीर जैसे एक बड़े क्रिकेटर को पवेलियन वापस भेजा है। तो गेंदबाज राजेश सिंह ने इसी के साथ अपना दूसरा विकेट प्राप्त कर लिया है, 98 रन बनाए, 2 सफलताएं अर्जित की। राजेश सिंह लगातार अच्छा परफॉर्मेंस इस मुकाबले में, एक विकेट चटक छूट गया था विकेट कीपर के दास्तानों से, तो 3 विकेट हो जाते हैं उनके। एक और ओवर संपन्न, तो प्यारे मित्रों में बता देना चाहूँगा कुल ओवर नंबर संपन्न हुए हैं 13 ओवर की समाप्ति के पश्चात गुना 11 का कुल योग है 6 विकेट के नुकसान पर 107 रन।
रवि झा एक बार फिर से टिंकू के लिए, अच्छे गेंदबाज हैं टिंकू, और टिंकू ने अब फटविंग की तरफ से आ जाओ, कोशिश तो हुई विकेट कीपर से लेकिन दास्तानों से छिटक गई। आठवें विकेट का पतन होता हुआ होते होते रहा, एक शॉट लपेट कर डीप मिड विकेट की दिशा में एक रन, और सुना 11 113 रन 7 विकेट के नुकसान पर। रवि झा कंधे का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से अपने कंधे घुमाते हुए गेंदबाजी करते हैं। देवाशीष मोहंती को याद कीजिए आप, वो पेस गेंदबाज थे और ये स्पिन करते हैं। अच्छी गेंद, एक बार फिर से टप्पा खिलाते हुए बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान कर रखा इस ओवर में, और इसी के साथ ओवर नंबर 14 संपन्न होता हुआ। 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात गुना 11 का कुल योग है 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और यहां से जीतने के लिए अब जो आवश्यकता है 36 गेंदों में 133 रन लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के अंतर को थोड़ा सा कम किया है और एक लाजवाब छक्का लगाया है टिंकू ने। वाह, जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रत्येक ओवर में 24 रन चाहिए, पहली गेंद पर छक्का मार दिया टिंकू ने। राजेश सिंह टिंकू के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ह्यूज सिक्स, ह्यूज एंड ह्यूज मामा सिक्स, एक लाजवाब छक्का दूसरी गेंद पर भी राजेश सिंह ने लगाया है टिंकू ने। 20, एक और हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और इसी के साथ एक आसान सा कैच पकड़कर टिंकू की पारी का अंत किया। तीसरी सफलता राजेश सिंह को मिली। टिंकू वापस पवेलियन आ रहे हैं, लेकिन आउट होने से पहले दर्शकों का मनोरंजन किया। प्यारे दर्शकों, टिंकू के लिए एक बार जोरदार तालियां, अच्छे गेंदबाज, अच्छे जज्बे वाले इंसान। 8वां विकेट गिरता हुआ टिंकू के रूप में, बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, चौका निकलता हुआ, और शौके की मदद से एक और हवा में उछला हुआ शॉट, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ 9वां विकेट गिरा है। आखिरी जोड़ी मैदान पर अब नजर आएगी। यॉर्कर लेंथ की गेंद डॉट, आखिरी जोड़ी बीच मैदान में मौजूद है बल्लेबाजी करने के लिए, के आए हैं सोनू अपने स्पेल के आखिरी ओवर के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक स्लिप गली बैकवर्ड पॉइंट शॉट कवर मिड ऑफ मिड ऑन, एक अकवर्ड पोजीशन पर फाइन लेग, और एक डीप मिड विकेट अमरजीत के लिए। सोनू हवा में गेंद, अब कुछ औपचारिकताएं शेष बची हैं इस मुकाबले में जिसे पूरा करना है। बाएं हाथ के बल्लेबाज केके के लिए, सोनू को गेंद हवा में, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं, एक आसान सा चौका मिलता हुआ, और इस चौके की मदद से गुना 11 का कुल योग 135 गुना 11, जीतने के लिए रन चाहिए थे 247, 100 रन अब भी पीछे, 100 से ज्यादा। बिल्कुल 20 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए गुना 11 को 112 रनों की दरकार है। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में, हासिल करने के लिए फिर से सोनू केके के लिए अच्छी गेंद के आने का इंतजार किया, सामने दबाया, सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। ओवर संपन्न होता हुआ कुल ये 16 ओवर की समाप्ति के बाद गुना 11 का कुल योग है 135 रन
9 विकेट के पतन के पश्चात। लंबा शॉट और क्षेत्ररक्षक वहां पे खड़े रह जाएंगे, एक लंबा छक्का निकल गया। आखिरी वक्त में थोड़ा सा मनोरंजन होता हुआ बल्ले के बाहरी से कुछ ऊंची भी गेंद चली जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, 4 रन एक और चौका निकलता हुआ। तो 2 लगातार बाउंड्रीज मिले हैं, रनों की कुल संख्या 145, जीतने के लिए 102 रनों की आवश्यकता। लक्ष्य दूर हो चुका है, दुर्लभ नामुमकिन सा हो चुका है, क्योंकि आखिरी जोड़ी बीच मैदान में गेंदें भी गिनती की बची हुई। 21 बॉल और लीजिए यहां पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन, एक और लंबा छक्का निकलता हुआ। बजाइए जोरदार तालियां, खुला 11 के 150 रन पूरे हो गए। नौ बॉल का इशारा, अंपायर का थोड़ा सा झटका मारा था, क्यों नहीं मुड़ी थी, 15 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज्यादा मुड़ने पर नो बॉल और फ्री हिट। सुदर्शन चक्र घूमता हुआ अंपायर नसीर का, कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज ये देखना मुनासिब होगा, दिलचस्प होगा। और बिल्कुल जबरदस्त फायदा उठाया है और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उछाल दिया, शानदार 6 रनों के लिए। और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ, तो कुल 17वां ओवर संपन्न हुआ है और बाकी बची 18 गेंदों में जीतने के लिए गुना 11 की टीम को चाहिए 89 रन। रवि झा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अच्छे तरीके से गेंद को संभाला, कवर्स एरिया में खेलते हुए 1 रन, दूसरे रन की गुंजाइश बनती हुई दिखाई पड़ी थी लेकिन लेना मुनासिब नहीं समझा इन दोनों बल्लेबाजों ने। तो गुना 11 का कुल योग 159 रन, 9 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर चल रहा है। अमरजीत 9 गेंदों का सामना किया है, 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 छक्के और 1 चौका शामिल। लीजिए एक और छक्का जोड़िए अमरजीत के बल्ले से, 4th छक्का निकलता हुआ, लंबा छक्का, बिल्कुल अमरजीत पहले आना चाहिए था। 10 गेंदों में अमरजीत 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 290 रनों का स्ट्राइक रेट हासिल कर लिया है। थोड़ी देर आखिर तक रह जाए तो मजा आ जाएगा मुकाबले में, मुश्किल है। 30 रन प्रत्येक ओवर में चाहिए और मेरी बातों का सही जवाब दिया है, कहा नहीं रुकिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, लाजवाब छक्का। अमरजीत अब तक कुल 5 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपने कुल निजी योग पर पहुंच गए हैं, 35 पर 12 गेंदों का सामना किया है, 35 लाजवाब रन बनाए और खबर ले रहे हैं रनों की कुल संख्या 171। और इसी के साथ आखिरी विकेट का पतन हुआ और इस मुकाबले को यहां पर फॉरबिसगंज की टीम ने जीत लिया है, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है फॉरबिसगंज की टीम। तो ये सूचना देते हुए कि इस मुकाबले को फॉरबिसगंज की टीम ने 75 रनों से जीत लिया है, मैं पीएन शेखर अपने प्यारे प्यारे दर्शकों के साथ आप सबसे विदा लेता हूं और एक बार फिर मैं आपसे मिलूंगा अब सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले के दिन। जय हिंद जय भारत।